हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो के अंदर गाइज फिर से हम लोग बात करने वाले हैं अपने अपकमिंग इवेंट्स के बारे में, जिसमें गाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा अपने बुया डे इवेंट के बारे में। साथ ही हम लोग बात करेंगे अपने गेम के अंदर आने वाली न्यू इमोट पार्टी इवेंट के बारे में। जी हाँ गाइज, इमोट पार्टी का जो इवेंट है वो बहुत जल्द अपने इंडिया में आने वाला है। प्लस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो FFWS का इवेंट है वो इंडिया में कब से स्टार्ट होगा, एंड गाइज उसके अंदर कौन से आप लोगों को फ्री रिवर्ड्स, साथ में यहाँ पर कौन से न्यू बंडल्स आने वाले हैं, एंड बात करेंगे गाइज यहाँ पर नेक्स्ट इवोगन के फुल रिव्यू की। और साथ में यहाँ पर जो मिस्ट्री शॉप आने वाली है उसका कन्फर्म डेट भी बता दूंगा, एंड उसके अंदर कौन से बंडल्स आप लोगों को मिलेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। सो आज की वीडियो गाइज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को गाइज आप लोग जरूर से एंड तक देख लेना। एंड आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज मेरी बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कराया यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो तो ऐसे अमेजिंग वीडियोस और देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो चलिए गाइस विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स बिगिन, आइए देखते हैं मजा आएगा। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले आज के टू नेट अपडेट की। तो गाइज देखो आज के टू नेट अपडेट के अंदर इतना कुछ खास इवेंट तो है नहीं, बट आप लोगों को एक रैम्पेज थीम का एक छोटा सा मिशन देखने को मिल जाएगा, ट्रैवल मिशन, जहाँ पर आप लोगों को कुछ मिनटों तक मैप के अंदर घूमना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा। उसके बाद में गाइज आप लोगों को ये वाला जो सब वॉर का स्किन है ये बिल्कुल ही फ्री में क्लाइम करने को मिल जाएगा। अगर सब वॉर का स्किन आप लोगों को नहीं लेना है तो आप लोगों को एक और ऑप्शन दिया जाएगा गोल्ड रॉयल वाउचर का, तो गोल्ड रॉयल वाउचर भी आप लोग ले सकते हो। देन गाइज यहाँ पर कुछ आने वाले इवेंट के बारे में हम लोग बात करें तो गाइज यहाँ पर 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक आप लोगों को एक और रैम्पेज का मिशन देखने को मिलेगा, जिसका नाम रहेगा वीकेंड रैम्पेज। एंड यहाँ पर गाइज MP40 के आप लोगों को कुछ क्रिएट देखने को मिल जाएगा मिशन कंप्लीट करने के बाद। एंड साथ ही साथ में ये वाला जो हेड का स्किन आप लोग देख रहे हो ये गाइज आप सभी लोगों को बिल्कुल ही फ्री में मिल जाने वाला है, जो कि गाइज यहाँ पर अपना एक हेलमेट होने वाला है। मतलब आप लोग हेलमेट को अपग्रेड करते जाओगे तो साथ ही साथ में ये वाला जो हेड है ये भी अपग्रेड होता जाएगा। ये वाला जो हेड है गाइज आप लोगों को मिल जाएगा 25 तारीख को। अब ये टू नेट अपडेट तो नहीं है बट कैलेंडर के अंदर मेंशन था, सो मैं आप लोगों को बता दिया। अरे वाह। देन गाइज आप लोगों को रैम्पेज के थीम के दो न्यू मोड भी देखने को मिलेंगे, जिसमें गाइज पहला वाला जो मोड है वो 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक रहेगा, एंड दूसरा मोड गाइज आप लोगों को मिल जाएगा 27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक। तो गाइज यहाँ पर दो मोड आने वाले जो कि रैम्पेज के थीम पर रहेंगे, तो उसके बारे में भी अपडेट बता दिया। अब गाइज यहाँ पर ये टू नेट अपडेट तो नहीं है बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ नेक्स्ट टॉप ऑफ इवेंट के बारे में। सो नेक्स्ट टॉप ऑफ इवेंट गाइज जो आने वाला है वो आप लोगों को मिल जाएगा गेम के अंदर 25 तारीख को। 25 अगस्त को अपना न्यू टॉप ऑफ इवेंट आने वाला है, जिसके अंदर गाइज अपनी रैम्पेज थीम की जो हाइपर बुक है वो गाइज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाने वाली है, जो कि आई थिंक आप लोगों को 100 या फिर 500 डायमंड के टॉप पर मिल जाएगी। एंड रैम्पेज हाइपर बुक के साथ साथ गाइज यहाँ पर उसके जो टोकन्स रहेंगे वो भी आप लोगों को यहाँ पर टॉप ऑफ इवेंट के अंदर मिल जाएंगे। सो अगर आप लोग ज्यादा टॉप अप करते हो तो आप लोग यहाँ पर जो रैम्पेज के अपग्रेड टोकन से उनको भी यहाँ पर टॉप ऑफ इवेंट से निकाल सकते हो। तो ये गाइज होने वाला है अपना नेक्स्ट टॉप ऑफ इवेंट, जो कि गाइज आप लोगों को मिल जाएगा इंडिया में 25 तारीख को। फिर गाइज 26 तारीख को यहाँ पर एक न्यू रिंग इवेंट आप लोगों को मिल जाएगा, जिसका नाम रहेगा इंकर विल। एंड यहाँ पर गाइज अपने रैम्पेज थीम का जो मेल बंडल है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाने वाला है, सो आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो गाइज ये वाला जो बंडल है ये आप लोगों को मिल जाएगा। एंड ये गाइज होने वाला है अपना एक सिलेक्टेड सीरीज का बंडल, एंड इसके अंदर काफी कमाल के आप लोगों को इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। तो ये वाले बंडल का गाइज जो रिंग इवेंट है ये आप लोगों को इंडिया सर्वर के अंदर बांग्लादेश एंड सिंगापुर तीनों सर्वर के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा 26 अगस्त को। सो कैसा लगा आप लोगों को न्यू टॉप ऑफ इवेंट एंड नेक्स्ट रिंग इवेंट, कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताना। ओरिजिनल एक नंबर। अब गाइज देखो जो मिस्ट्री शॉप इवेंट है वो आप लोगों को इस मंथ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक गाइज मिस्ट्री शॉप को लेकर इस मंथ की जो कोई लीक है वो निकल कर नहीं आई है। तो अब गाइज आप लोग पूछोगे कि मिस्ट्री शॉप कब अपने गेम के अंदर आने वाली है, सो गाइज देखो अपना नेक्स्ट मंथ जो आने वाले सेप्टेम्बर मंथ, उसके अंदर गाइज अपनी जो मिस्ट्री शॉप इवेंट है वो आप लोगों को इन गेम के अंदर मिल जाएगी। एंड गाइज यहाँ पर उसके थीम की बात करें तो गाइज देखो नेक्स्ट मंथ के अंदर दो यहाँ पर जो इवेंट है वो स्टार्ट होने वाला है, एक तो गाइज यहाँ पर अपने डेमोन स्लेयर का कोलैबोरेशन इवेंट एंड दूसरा गाइज अपना बुया डे का इवेंट। तो ये दोनों इवेंट गाइज यहाँ पर एक साथ अपने गेम के अंदर रन करने वाले हैं, तो ये दोनों इवेंट में से कोई भी एक इवेंट पर यहाँ पर अपनी जो नेक्स्ट मिशन शॉप रहेगी वो यहाँ पर बेस्ड रहेगी। बाकी गाइज अभी तो मिशन शॉप को आने में बहुत ज्यादा टाइम है, आप लोग चैनल पर बने रहना, मेरे पास जैसे ही गाइज यहाँ पर कोई कंफर्म अपडेट आती है मिशन शॉप को लेकर तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर दूंगा। फिलहाल तो गाइज यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं डेमोन स्लेयर के थीम पर आने वाले बंडल्स की। तो गाइज देखो यहाँ पर बेसिकली डेमोन स्लेयर के थीम पर 4 बंडल आने वाले, सॉरी 5 बंडल आने वाले, लेकिन उसमें से एक आप लोगों को फ्री में मिलेगा। तो पहले कौन कौन से बंडल्स आने वाले उसके बारे में बता देता हूँ।
फिर बात करेंगे फ्री रिवर्स की। तो यहाँ पर गाइज आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर चार बंडल देख रहे हो, जिसमें गाइज पहला बंडल का नाम होने वाला है तेंजिरो, दूसरे बंडल का नाम होने वाला है नेजुको जो कि एक फीमेल का बंडल रहेगा, एंड तीसरे बंडल का नाम होने वाला है इनोसुके, एंड चौथे बंडल का नाम होने वाला है जेनुत्सो। तो गाइज ये चार बंडल जो मैं आप लोगों को दिखाया, ये चारों गाइज आप लोगों को मिल जाएंगे पेड इवेंट के अंदर। अब हो सकता है कि कुछ बंडल आप लोगों को वेब इवेंट के अंदर मिल जाए, कुछ आप लोगों को यहाँ पर फिटनेस बिल्ड के ऊपर, कुछ आप लोगों को यहाँ पर रिंग इवेंट के अंदर मिल जाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चारों के चारों जो बंडल है वो एक ही साथ में आप लोगों को रिंग इवेंट के अंदर मिल जाएंगे। अब कंफर्म नहीं है कि बंडल कौन से इवेंट के अंदर आएंगे, लेकिन हाँ ये चारों आप लोगों को पेड इवेंट के अंदर मिलेंगे। एंड बात करेंगे इस यहाँ पर फ्री रिवर्स की, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो गाइज देखो यहाँ पर ये वाला जो बंडल आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो जिसका नाम है तेंजेन बंडल, तो ये वाला जो बंडल है ये गाइज आप सभी लोगों को डेमो स्लेयर इवेंट के अंदर से बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। देन गाइज यहाँ पर कुछ और फ्री रिवर्स की बात करें तो गाइज यहाँ पर लिस्ट निकल कर आ रही है कि डेमो स्लेयर का थीम का जो ग्लू होल है आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, कुछ इस टाइप का ग्रीन कलर का ग्लू होल होने वाला है। तो ये वाला ग्लू होल भी गाइज हम लोगों को बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर एक बैकपैक का स्क्रीन भी निकल कर आ चुका है जो कि डेमो स्लेयर के थीम पर ही बेस्ड है, तो आप लोग देख सकते हो इस टाइप का बैकपैक होने वाला है। तो ये गाइज यहाँ पर कुछ रिवर्ड्स होने वाले जो कि डेमोन स्लेयर इवेंट के अंदर से बिल्कुल ही हम लोगों को फ्री में मिलेंगे। अब और भी फ्री रिवर्ड्स हो सकते हैं बट उनके बारे में मेरे पास जैसे इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा। फिलहाल तो मेरे पास ये तीन रिवर्ड की इन्फॉर्मेशन आई थी सो मैं आप लोगों को बता दिया। आप लोग बताना मुझे कमेंट करके कि आप लोगों को फ्री रिवर्ड्स कैसे लगे। इसके अलावा गाइस यहां पर बात करें हम लोग अपने FFWS इवेंट की, सो गाइस देखो FFWS का जो इवेंट है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा थाईलैंड के अंदर, एंड ये आप लोगों को आई थिंक नवंबर मंथ के अंदर देखने को मिलेगा। बट उसके अंदर ना गाइस इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा क्योंकि आप लोगों को पता होगा अभी गेम बैन है तो इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बट हाँ नवंबर मंथ से पहले पहले अगर गेम अनबैन हो जाता है तो गाइज यहाँ पर अपना इंडिया सर्वर है वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएगा। अभी गाइज हम लोग उस पर ज्यादा बात नहीं करते, मैं आप लोगों को बता देता हूँ FFWS के थीम पर कौन कौन से न्यू बंडल्स को डिजाइन किया गया है। सो आप लोग देख सकते हो गाइज यहाँ पर पहले बंडल का नाम होने वाला है फेरी फ्लैश बंडल, एंड गाइज ये बंडल मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर काफी कमाल का जो बंडल है वो होने वाला है, एक आप लोगों को ब्लैक एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन में आप लोगों को जो बंडल है देखने को मिल जाता है, तो ये वाला बंडल गाइज आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर FFTC द प्रो बंडल आप लोगों को मिल जाएगा। तो गाइज देखो अभी मैं आप लोगों को जो दोनों बंडल का रिव्यू कराया ये गाइज यहाँ पर बेस्ड होने वाले अपने FFWS के थीम पर, तो सारे सर्वर के अंदर ये दोनों बंडल है ये आप लोगों को मिल जाएंगे। बट सबसे पहले गाइज ये दोनों बंडल यहाँ पर आने वाले थाईलैंड सर्वर के अंदर, क्योंकि गाइज यहाँ पर अपना FFWS का जो इवेंट होने वाला है वो थाईलैंड के अंदर होने वाला है। अच्छा, तो यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे गाइज अपने FFWS इवेंट को लेकर, तो इसके बारे में भी हम आप लोगों को अपडेट दे दिया। देन गाइज यहाँ पर हम लोग बात करें अपने इमोट पार्टी इवेंट की, सो गाइज देखो अपना जो इमोट पार्टी का इवेंट है ये आप लोगों को नेक्स्ट मंथ के अंदर देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइज सितंबर मंथ के अंदर जो इमोट पार्टी इवेंट है ये आप लोगों को मिल जाएगा, एंड यहाँ पर इसका जो इंटरफेस है वो आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। यहाँ पर गाइज डेमोन स्लेयर के तीन इमोट आप लोगों को मिल जाएगा, साथ में एक कठपुतली वाला जो इमोट है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये गाइज यहाँ पर चार इमोट होने वाले जो कि नेक्स्ट इमोट पार्टी इवेंट के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। अभी सॉरी गाइज इमोट पार्टी का कंफर्म डेट तो कोई निकला नहीं है, लेकिन हाँ आप लोगों को नेक्स्ट मंथ के अंदर अपनी इमोट पार्टी इवेंट है वो जरूर देखने को मिल जाएगी। अब गाइज यहाँ पर वीडियो के लास्ट अपडेट की हम लोग बात करें कि अपनी जो नेक्स्ट इवो गन है वो कौन सी आने वाली है, तो गाइज देखो यहाँ पर अपनी जो नेक्स्ट इवो गन है वो होने वाली अपनी इवो ग्रोजा, एंड ये गाइज यहाँ पर बेस्ड होने वाली है अपने डेमोन स्लेयर के थीम पर। तो नेक्स्ट मंथ के अंदर गाइज इसका जो फेडिस बिल है ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी फुल रिव्यू तो आप लोगों ने काफी वीडियो के अंदर देख लिया होगा, तो फुल रिव्यू तो मैं आप लोगों को भी नहीं करा रहा, फास्ट फास्ट रिव्यू है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो गाइज ग्रोजा की जो इवो गन है वो अपनी होने वाली है नेक्स्ट इवो गन, तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दिया। सो आज की वीडियो के लिए बस गाइज इतनी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला जो बेल नोटिफिकेशन है उसे जरूर से प्रेस कर देना। मैं मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।